हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। बेटा, आज हम IOQC का जो लास्ट प्रॉब्लम बचा था वो सॉल्व करेंगे और आपका ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2020-21 वाला। क्लियर? तो आज जो प्रॉब्लम है वो हीलियम इन रॉक्स पे बेस्ड है। बेसिकली आपको हीलियम के बारे में बताया है कि हीलियम की ट्रैपिंग होती है रॉक्स में, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो इसमें जो लगना है, जो कंसेप्ट लगेगा हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो होगा केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। जो आप पढ़ते भी हो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैसे डीके करते हैं, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, क्लियर, वो आप क्वेश्चंस करते हैं जेई की प्रिपरेशन में। और फिर केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला, जो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसे माना जाता है, और उसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस में होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको डिफरेंट डाटा गिवन है। ये तो सबसे पहले आपको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में बताया है कि तीन टाइप के हैं हमारे पास, 238, 235 यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। फिर उनका हाफ लाइफ गिवन है आपको, और ये भी बताया है कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब हमसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जन ऑफ वन यूरेनियम 238 न्यूक्लियस से जब लेड 206 न्यूक्लियस बन रहा होगा। तो बताओ कितने नंबर ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल्स कितने रिलीज हो रहे होंगे। तो आपको पता है, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ लिखा भी है कि जब यूरेनियम जो है वो डीके करेगा पीबी में कन्वर्ट होने के लिए, तो 14 डीके स्टेप्स फॉलो करता है जिसमें अल्फा और बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है। तो हमें सारे स्टेप्स नहीं लिखने हैं यहाँ पे, हमें सिर्फ इतना बताना है कि नंबर ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने बने होंगे जब हमारा यूरेनियम 238 जो है वो डीके हुआ होगा टू गिव लेड 206। तो कैसे बताएंगे, तो देखो बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा -1, 0, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 2, 4। तो अगर आप देखें तो यहां पर जो बीटा पार्टिकल रिलीज होगा उससे मास नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा क्योंकि वो जीरो है। तो जो मास नंबर में डिफरेंस आ रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो सिर्फ हीलियम पार्टिकल की वजह से होगा। तो हम देख सकते हैं यहां पर कि अगर 238 से 206 जा रहा है तो कितने का चेंज आ रहा है, 32 का, 32 नंबर जो है, मास नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है बाय 32 यूनिट्स। तो 32 यूनिट से मास नंबर डिक्रीज कर रहा है, और एक हीलियम जो है, एक न्यूक्लियाई होता है, उसका मास नंबर कितना होता है, 4। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, 32 / 4 विच इज इक्वल टू 8। तो आंसर इज 8 अल्फा पार्टिकल्स जो है वो रिलीज हुए होंगे। अब अगर आपसे यहां पे ये पूछता ना कि बीटा पार्टिकल भी बता दो, तो बीटा पार्टिकल भी बता सकते थे हम। बीटा पार्टिकल कैसे बताते, यूरेनियम और लेड का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए था, तो आप बीटा पार्टिकल बता सकते थे। तो देखो ये क्वेश्चन तो आप जेई एडवांस में करते भी हो, जेई एडवांस में भी पूछा गया है एक बार ये क्वेश्चन, और आप करते भी हैं बहुत बार कि कितना अल्फा पार्टिकल्स और कितने बीटा पार्टिकल्स जो है वो रिलीज होंगे। तो इजी सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, आपको सिर्फ रिएक्शन ये लिखकर दिखानी थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फॉर अ सोयल सैंपल विद इक्वल अमाउंट ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम, यूरेनियम और थोरियम का इक्वल अमाउंट प्रेजेंट है सोयल सैंपल में, तो आपको निकालना है प्रोडक्शन रेट ऑफ हीलियम फ्रॉम 3 न्यूक्लियस। मतलब यूरेनियम 238 से जो न्यूक्लियस बन रहा है, सॉरी हीलियम बन रहा है, और फिर यूरेनियम 235 से जो बन रहा है, और फिर थोरियम 232 से जितने न्यूक्लियाई बन रहे हैं हीलियम के, उनका रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, मतलब रेशियो निकालना है उनके प्रोडक्शन रेट का। तो और आपको यह भी दिया है कि यूरेनियम और थोरियम का जो अमाउंट है वो क्या है, हमारे पास इक्वल है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितने अल्फा पार्टिकल्स पर रिएक्शन रिलीज हो रहे होंगे। तो देखो यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 से क्या बन रहा है, लेड 206 बन रहा है। तो हम निकाल भी चुके हैं पहली रिएक्शन में कि क्या बनेगा, कितने होंगे पार्टिकल्स, 8 अल्फा पार्टिकल्स। तो यूरेनियम 238 से
8 अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होंगे, मतलब हीलियम न्यूक्लियस बनेंगे। फिर बात करते हैं यूरेनियम 235 की, 235 से कितने बनेंगे? तो पहले तो आपको ये रिएक्शन यहाँ गिवन है, तो इस रिएक्शन को देख लो, 207 में कन्वर्ट हो रहा है, तो लेड 207 में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो कितने का चेंज है यहाँ पर, कितने का चेंज हो जाएगा, 28 का। तो 28 के लिए कितना आ जाएगा, 7 अल्फा पार्टिकल्स। ऐसे ही थोरियम जो है 232, थोरियम 232 यहाँ पर लेड 208 में कन्वर्ट हो रहा है। आपको रिएक्शन लिखी दी हुई है, आपको लिखनी नहीं है, याद नहीं रखना कि किसमें कौन कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें कितने का चेंज है, 24 का, तो 6 अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे होंगे। क्लियर? अब आपको देखो, अब आपको बोला है कि रेशियो बताओ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीलियम का, तो वो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए मुझे रिएक्टेंट्स के न्यूक्लियस निकालने पड़ेंगे। रिएक्टेंट्स की अगर मैं न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स निकाल लूं, तो वहां से रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीलियम बता सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो मास गिवन है आपको, मास गिवन है ना, मास रेशियो गिवन है 238 और 235 का, 238 और 235 का मास रेशियो मेरे पास कितना है, 138:1। तो यही अगर मैं थोरियम का भी रेशियो ले लूं, तो थोरियम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 139, ऐड कर देंगे दोनों को, क्योंकि वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है यूरेनियम के। यूरेनियम के दो न्यूक्लियस, दो टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक 238 एक 235, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 139। ठीक है, तो ये तो आ गई रेशियो ऑफ मास, मास का रेशियो है कि मास कितना प्रेजेंट है। अब मुझे मोल्स निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसका 238, इसका 235, 1/235, और ये बेटा क्या हो जाएगा, 139/230। क्लियर? इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर मोल्स ऑफ दैट जो हमारे पास ये प्रेजेंट है सब्सटेंस। क्लियर? अब मुझे प्रोडक्शन रेट निकालना है ना अल्फा पार्टिकल्स का, तो प्रोडक्शन रेट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो रेट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम रेडियो एक्टिव रिएक्शन के लिए लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लैम्डा यू इंटू एन यू, मतलब यूरेनियम की अगर मैं बात करूं तो आप सिंपल लिखो लैम्डा इंटू एन, लैम्डा इज हेयर कांस्टेंट, जैसे रेट कांस्टेंट होता है, ये रेट कांस्टेंट है, और एन जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो कि यूज हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर ये दिया है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो गिवन है, तो अगर मैं इसमें लैम्डा निकाल लूँ हर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट मान लो मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड रिएक्शन बोलूं, तो लैम्डा वन क्या हो जाएगा, लैम्डा वन होगा 0.693/t½, और आपको इस रिएक्शन का टी हाफ दिया है, टी हाफ कितना है, 4.47×10⁻¹। ठीक है, सेम लैम्डा टू रिएक्शन का 0.693, उसका टी हाफ कितना है अपने पास, 0.007 × 10⁻¹। और लैम्डा थ्री कितना गिवन है अपने पास बेटा, 1.4×10⁻¹⁴ ले लेंगे, 10⁻¹⁹ हो जाएगा, यही है ना, 1.4×10⁻¹⁰ है, 1.4×10⁻¹⁰। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरे पास तीनों का लैम्डा आ गया और साथ में मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये मोल्स भी आ गए, तो इनटू कर देंगे, इनटू कर देंगे, और साथ में रुको, यहां पर हमारे पास ये तो ये आया ना कि ये कितने कंज्यूम इनका आया है। ठीक है, मुझे निकालना है प्रोडक्शन रेट हीलियम का, तो हीलियम का प्रोडक्शन रेट निकालना है तो नंबर ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई आना चाहिए ना, तो ये कितना बनेगा, देखो एक यूरेनियम 238 से 8 अल्फा पार्टिकल देखे थे हमने बन रहा था, तो इतने से कितना बनेगा, इनटू 8। क्लियर ये चीज? ऐसे यूरेनियम 235 से कितने अल्फा पार्टिकल्स बन रहे थे, 7, तो इनटू 7, और थोरियम से कितने बन रहे थे, 6, तो इनटू 6। अब ये आ गए नंबर ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस। क्लियर? नंबर ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस आ गया। अब हमारे पास लैम्डा भी गिवन है पर्टिकुलर रिएक्शन का, हमारे पास ये भी गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करके रेशियो ले लेंगे, तो आंसर देखो क्या बन जाएगा, 8×138/230, 8×0.693/4.47×10⁻¹⁹
नहीं, इसका रेशियो लेंगे फिर 1/235 × 7 इंटू 0.693 डिवाइड बाय 0.707 इंटू 10 की पार 9, फिर 139 डिवाइड बाय 232 इंटू 6 इंटू 0.693 बाय में 1.4 इंटू 10 की पार 10। तो देखो इस रेशियो को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके रेशियो आएगा 25:1:6। दिस विल बी योर आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको लिखा भी है कि आपको मेन स्टेप्स कैलकुलेशन के दिखाने हैं, मतलब आपको जो मेन मेन स्टेप है वो दिखाकर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कैलकुलेट करके। इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस टफ है, अदरवाइज ये क्वेश्चन में कंसेप्ट जो था वो आपका केमिकल काइनेटिक्स वाला ही था। उसको अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स का वो फॉर्मूला और कंसेप्ट पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो आप ये कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट द रेजिडेंस टाइम ऑफ वाटर इन द रॉक अज्यूमिंग दैट दिस टाइम इज मच स्मॉलर देन द हाफ लाइफ ऑफ 3 पेरेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इसमें दिया क्या है पहले आपको ये जो डाटा गिवन है ये देखना पड़ेगा। ये जो पहले कॉम्प्रिहेंशन में डाटा गिवन है ये देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या पूछा है। देखो आपसे बोला है कि एक पोरस रॉक को सेचुरेट किया विद वाटर वॉज फाउंड टू यील्ड इतना पर सेंटीमीटर क्यूब हीलियम। तो इसमें ये बोला है कि जो हीलियम गैस, मतलब जो हीलियम प्रोड्यूस होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, यूरेनियम और थोरियम के रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के डीके से जो हमारे पास हीलियम गैस प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है एटमॉस्फेयर में, अगर वो एस्केप नहीं हो पाती, ठीक है, अगर वो एस्केप नहीं हो पाती एटमॉस्फेयर में तो वो रॉक्स के पोर में ही, जो रॉक्स की पोर्स हैं उसमें ट्रैप होके रह जाती है। क्लियर, वो क्या हो जाती है वहाँ पर ट्रैप हो जाती है, और वो ट्रैप जो है वो पोर्स जो है वो पानी से भरे होते हैं तो वो हीलियम गैस पानी में डिजॉल्व हो जाती है। ये बात यहाँ पर आपको एज अ इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर उसके बाद आपको दिया है डाटा ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें कि एक पोरस रॉक सेचुरेटेड वॉज वाटर, एक सेंटीमीटर क्यूब वाटर में इतना हीलियम है, ठीक है, और रॉक में 1 ppm यूरेनियम का प्रेजेंट है, 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन यूरेनियम का प्रेजेंट है, जिसमें यूरेनियम और थोरियम का मास रेशियो 1:4 है। मास ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रॉक, एक पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रॉक में मास ऑफ वाटर कितना है 2×10⁻³ ग्राम, और डेंसिटी ऑफ रॉक कितनी है इतनी है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि बताओ कितना टाइम के लिए पानी में पानी जो है रॉक में रहेगा, तो ये कैसे बताएंगे। तो देखो टाइम आप निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला, 2.303 डिवाइड बाय के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय रिएक्शन रिएक्टेंट लेफ्ट, यही लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यूरेनियम की कितनी थी रॉक में, और फाइनली यूरेनियम बचा कितना, या फिर हम बात करें थोरियम कितना था और थोरियम लास्ट में बचा कितना। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालो कि रॉक का टोटल मास कितना है, मास ऑफ रॉक पर सेंटीमीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर क्यूब में। देखो डेंसिटी गिवन है रॉक की, अगर डेंसिटी गिवन है तो मैं पता चल गया कि एक सेंटीमीटर क्यूब के लिए 2.9 ग्राम रॉक प्रेजेंट है, 2.9 ग्राम रॉक प्रेजेंट है। ठीक है, और अब इसमें मैं यूरेनियम और थोरियम निकाल सकती हूँ ताकि इनिशियल वैल्यू आ जाए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ जाए यूरेनियम और थोरियम की। तो यूरेनियम और थोरियम कितना प्रेजेंट होगा रॉक में, तो देखो 1:4 है रेशियो यूरेनियम और थोरियम का, और 1 ppm प्रेजेंट है। तो इसका ये मतलब है कि 10⁶ ग्राम जो रॉक है उसमें 1 ग्राम यूरेनियम प्रेजेंट है। तो इतने रॉक में कितना प्रेजेंट होगा, 2.9×10⁻⁶ ग्राम। तो इनिशियली मेरे को इतना मास यूरेनियम का प्रेजेंट वहां पर रहेगा। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है कि 10⁶, अब थोरियम निकालना है तो थोरियम कितना हो जाएगा इसका 4 times, क्योंकि रेशियो 1:4 है ना, तो ये तो यूरेनियम आ गया, इसका 4 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थोरियम आ जाएगा, दिस इज थोरियम। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ थोरियम
आई थिंक दिस इज क्लियर. यहां से मैं हम निकाल सकती हूँ मोल्स ऑफ यूरेनियम गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 238 हम लेके चलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है. और थोरियम के मोल्स कितने आ जाएंगे गिवन मास इनटू में डिवाइड बाय इसका मोलर मास. तो देखो हमारे पास इनिशियली इसके मोल्स भी आ गए, इसके भी आ गए. अब मुझे निकालने हैं कि जो मोल्स जो हैं वो बचे होंगे आफ्टर डीके, कितने मोल्स यूरेनियम और थोरियम के बचे होंगे. तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं निकालती हूँ वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस. हीलियम गैस कितनी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हीलियम से बता सकते हैं ना हम लोग, हीलियम से बता सकते हैं, हीलियम जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डीके बता सकते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ रॉक तो कितना हो जाएगा, तो देखो इतना पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, क्लियर. और वाटर कितना प्रेजेंट है 2×10⁻³, क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है, तो मैं इतना ग्राम गिवन है तो इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं. तो 2×10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब टोटल वाटर प्रेजेंट है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना हीलियम है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे टू कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस. तो 7×10⁻⁷ हमारे पास क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब हीलियम गैस टोटल आ गई. और ये एसटीपी में प्रेजेंट है, वहां पे गिवन है कि एसटीपी कंडीशंस हैं, तो यहां से मोल्स ऑफ हीलियम निकाल सकते हैं. हीलियम के मोल्स क्या हो जाएंगे 7×10⁻⁷ डिवाइड, अब ये अगर एमएल में है तो नीचे भी डिवाइड एमएल में ही होगा, और एमएल में क्या हो जाएगा 22400, ठीक है. तो यहां से मेरे पास क्या आ गया मोल्स ऑफ हीलियम, जो हीलियम के मोल्स बने होंगे, ठीक है, जो हीलियम के मोल्स बने होंगे. अब मुझे निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीलियम, वो कैसे निकालेंगे, लैम्डा इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स. लैम्डा क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय यूरेनियम से जो यूज हो गए, यूरेनियम 238 से जो यूज होके बन रहा है उसको लेंगे हम, तो उसके लिए टी हाफ की वैल्यू 4.47×10⁹ है, तो यहाँ लिखेंगे 4.47×10⁹. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे 2.9×10⁻⁶ डिवाइड बाय 238. इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर कुछ आएगा अपना 1.13×10⁻¹⁵. -17, ठीक है. तो ये आ गया हीलियम का रेट ऑफ प्रोडक्शन, इससे फ्रॉम यूरेनियम. ऐसे ही मैं किससे निकाल सकती हूँ, थोरियम से निकाल सकती हूँ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीलियम फ्रॉम थोरियम. इसको मैं R1 बोल दूँ और उसको R2. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीलियम फ्रॉम थोरियम तो कितना आ जाएगा, वही सेम 0.693. लैम्डा निकालेंगे, वो लैम्डा कांस्टेंट है, कैसे निकालेंगे, टी हाफ हमें गिवन है 0.693 से डिवाइड कर देंगे, और इसके लिए थोरियम के लिए टी हाफ कितना है 1.4×10⁻¹. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो गए थे 11.6 था आई थिंक, मोल्स निकाले थे ना, ये 11.6×10⁻¹⁶ बाय में 232. इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा कुछ, एक बार सॉल्व करो इसको, तो 1.49×10⁻¹⁷. क्लियर. देखो रेट ऑफ प्रोडक्शन हीलियम से जो आया थोरियम को डीके करने पे जो हीलियम मिला वो इतना मिला, रेट मिला, और इसका रेट इतना मिला. तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूं R1:R2 क्या हो जाएगा 1.13:1.49, ठीक है. तो अब मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/k या 1/λ ln जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है यूरेनियम के न्यूक्लियाइड्स डिवाइड बाय जो कि बच गए n0/NT लेंगे,
ठीक है, तो लेमडा तो आप निकाल सकते हो 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ करके। अभी मुझे एन नॉट यहां से मिल गया यूरेनियम के लिए, कहां से, ये एन नॉट इज दिस। ठीक है, अब मुझे बताना है कि कितना यूरेनियम बचा होगा। तो यहां से मुझे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीलियम पता चल गया, तो यहां से मैं निकाल सकती हूं कि कितना मोल्स कंज्यूम हुए होंगे यूरेनियम के, यूरेनियम कंज्यूम्ड। वो कैसे निकालेंगे, तो देखो आपके पास हीलियम के मोल्स हैं, टोटल हीलियम के मोल्स हैं ये, टोटल हीलियम के मोल्स हैं हमारे पास ये, और हमें पता है एक मोल यूरेनियम से 8 अल्फा पार्टिकल मिलते हैं, तो मतलब 8 हीलियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो मिलते हैं एक मोल यूरेनियम कंज्यूम होने पे। तो इतने अल्फा पार्टिकल्स जो इतने हीलियम बन रहे हैं वो किसने से बन रहे होंगे। अब देखो ये टोटल हीलियम है, ये क्या है, टोटल हीलियम है, तो मुझे यूरेनियम का परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना कि यूरेनियम कितना दे रहा होगा। तो देखो 1/8 इंटू वो टोटल जो वैल्यू है हमारे पास 7×10⁻¹ डिवाइड बाय 22400। ये टोटल हीलियम है, मतलब यूरेनियम प्लस थोरियम वाले हीलियम है, क्लियर। तो मुझे निकालना है सिर्फ यूरेनियम का परसेंटेज, तो यूरेनियम का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनटू 1.13 रेट ऑफ प्रोडक्शन जो हीलियम का है वो 1.13 है इससे, डिवाइड बाय टोटल 2। ये अगर हमने कर दिया तो इससे मेरे पास आ गया कि कितना यूरेनियम कंज्यूम हुआ टोटल टू प्रोड्यूस हीलियम, क्लियर। तो यहां से मेरे पास यूरेनियम क्या आ जाएगा, कंज्यूम आ जाएगा, यूरेनियम कंज्यूम की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू निकाल लेंगे। अब वो वैल्यू जो है वो यूरेनियम कंज्यूम की आई है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यूरेनियम टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूरेनियम जो बच गया है एनटी, यूरेनियम जो ऑलरेडी था, यूरेनियम जो कंज्यूम हो चुका है उसे माइनस कर देंगे टू गिव जो हमारे पास यूरेनियम लेफ्ट बचा है। अब टी में वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4.47×10⁹ 0.693 ln। पहले क्या बची है वैल्यू, पहले बची है हमारे पास 2.9×10⁻¹ बाय में 238, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास जो है नेगेटिव वैल्यू जो बची होगी एनटी वाली वो पुट कर देंगे तो आंसर आपके पास टी आ जाएगा 1.04×10⁶ ईयर्स। क्यों ईयर्स में आया, क्योंकि नीचे ये वैल्यू भी किस में थी, ईयर्स में थी, क्लियर। कैलकुलेशंस टफ है, सोच भी नहीं पाओगे इतना जल्दी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो माना जाएगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, IOQC के लेवल का क्वेश्चन था, और जब अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट देखो तो वो आप इजीली कर सकते थे, उसमें ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, बट हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती थी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ओके। तो बच्चों अभी आपका IOQC 20 मार्च को है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।